खाना लेके आई ना वो खा लेते हैं, और करिश्मा मिश्रा ये लेके आई है कप केक, ये खाने वाले हैं, और बर्गर भी खाओ, बर्गर और बर्गर लिया है गाइस, हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद और एक्सप्लोर करेंगे मॉल को। और मुझे ना सबसे अच्छा यहाँ पे एक तो वो लगा बच्चों का जो वॉशरूम होता है वहाँ पे जो अलग से जो दिया हुआ है ना वो वॉशरूम वो अच्छा लगा। और जो सेकंड लगा वो यहाँ पे सचिन का बैक स्टैचू जो बनवाया हुआ है वो बहुत अच्छा लगा। और खाने की लग गई हैं, मिश्का खा रही है, मिश्का क्या खा रहे हो आप? मिश्का ये केक लाइए ये खा रही है, तनिष्का बर्गर खा रही है, और मैं अपना ये केक इन्जॉय करूँगी, और साथ में फ्रूटी भी है। पहले ये थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट खा लेते हैं, फिर रेस्टोरेंट में चलेंगे और रेस्टोरेंट में खाएंगे। गाइस यहाँ पे ना तनिष्का ना मुझे एक बात कहकर हंसा रही है। तनिष्का वो क्या पूछा था आपने? ऐश्वर्या राय का? जल्दी बताओ, जल्दी आके बताओ। बहुत ही ज़्यादा इनका टाइम अप हो चुका है, जैसे स्टार्ट होती है मैं आपको दिखाती हूँ वाली राइड, जब तक नेक्स्ट चलते हैं आ जाओ। और यहाँ पर तनिष्का मिश्का को इनका किड जोन मिल गया है, और ये यहाँ पे इंजॉय करने लग गए हैं। और यहाँ इतनी तरह तरह के गाड़ीज हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे एडवेंचर हैं। इधर आओ, इस पर बैठो मिशू। गाइस ये भी है यहाँ पे, यहाँ पर भी है ये वाली राइड्स यहाँ भी है, बट हमारी वीडियो बनाएगा कौन? यही तो प्रॉब्लम है, कर तो लेंगे। ये देखिए हर तरह की राइड्स हैं यहाँ पे, और कुछ तो इतनी डेंजर भी हैं जो ये बच्चे अभी नहीं कर सकते हैं फिलहाल। ये देखिए मम्मी जो भी आ रहे सभी को दे रहे, क्या नाम होगा? मिसेस हेमा। थोड़ी तनिष्का मिश्का बैठ गई हैं इस वाली राइड पर। करो 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 करो। मिशो आप उसमें बैठो, और ये दोनों अपनी अपनी गाड़ी में राइड करने लग गए हैं। देखिए मिश्का ने ये लिए थार जैसी गाड़ी है ये भी। बड़ा मतलब थार नहीं मिली मिश्का को, थार मिल गई बैठने के लिए है मिशो। Enjoy. ये देखिए ये वाली राइड ना कितनी डेंजर है, मतलब यार जिगरा चाहिए इसके लिए तो बहुत बड़ा। पता नहीं ये लोग कैसे कर रहे हैं। और ये कितने मतलब कितने माय गॉड गाइस, मुझे देखकर डर लग रहा है, पता नहीं ये लोग इतनी हिम्मत कैसे कर लेते हैं ऐसी राइड्स के लिए ना। गॉड अमेजिंग। अब हम लोग जा रहे हैं गाइस नेक्स्ट राइड पर, और ये नेक्स्ट राइड में के झूले इस तरह के हैं कुछ, ये देखिए इधर से आके देखते हैं, आगे चलो।
इधर से देखो बेटा, इधर से आ जाओ। बताए कनिष्का सारे बच्चे तो बहुत, और ये लोग वेटिंग कर रहे हैं, बड़े भी हैं इसमें। ये वाली राइड ना हम लोग अभी नहीं कर सकते क्योंकि ताशु के डैडी साथ में नहीं है और यहाँ पे एक बच्चे के साथ में एक पेरेंट्स होना नेसेसरी है, और अभी अगर ये दोनों बैठ गए तो ये दोनों डर जाएंगी। तो फिलहाल ये वाली राइड हम लोग स्किप करते हैं। बट आपको ना मैं एक लुक दे देती हूँ कि ये राइड है कैसी। ये देखिए स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। इस तरह की राइड है ये, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, तो फास्ट में ये दोनों तनिष्का मिष्का डर सकती हैं, इसलिए ये वाली राइड हमें स्किप करनी पड़ेगी। सोचा है बैठ जा, हाँ बैठ जा। तो गाइज यहाँ पे तनिष्का मिष्का बैठ गई हैं फाइनली इस वाली हॉर्स राइड में। अभी घूमेगा, रुको, अब पकड़ के रखना, ठीक है, पकड़ के रखना दोनों। बच्चों ने यहाँ पे राइड कर ली, और यहाँ पे ना हम लोगों को नेस्ले के ना दो पाउचेस मिले हैं ये, और ये बच्चों के लिए हैं, इनको दूध में मिक्स करके देना है, जैसे सेरेलेक होता है दूध होता है वैसे ही है ये भी। और मिष्का यहाँ पे कर रही है अपनी कोर्ट में, यहाँ बैठते हैं, ठीक है, फिर मैं ले आऊंगी, उधर चलते हैं, आगे जगह है बोरी बोरी सी। क्या खाना है, क्या खाना है तनिष्का? पिज्जा तो हर बार खाते हैं ना, इस बार कुछ अलग खाते हैं। केएफसी दिख रहा है मुझे सामने, मन कर रहा है केएफसी खाने का। सो गाइस हर बार की तरह लकीली फाइनली हम लोगों को ना टेबल मिल गई है और हम लोग बैठ गए हैं। अब डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोगों को खाना क्या है, और इन दोनों से पूछते हैं, मेरी मैम से जो यहाँ पर बैठी हुई हैं। हाँ जी मैम, क्या खाना है आपने? यीशु आपने क्या खाना है? बर्गर खाना, एक ने पिज़्ज़ा खाना है, एक ने बर्गर खाना है। और गाइज मैं यहाँ पे अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, कोस्टा कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। ये हैं बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे खाने वाली, और यहाँ का फूड कोर्ट का लुक मैं आपको एक दे देती हूँ गाइज। ये देखिए, ये है यहाँ का फूड कोर्ट जो फुल्ली पैक्ड है, यहीं पे रश ज़्यादा है, पूरा फूड कोर्ट है ये। गाइज ये ना इतना अच्छा लग, गाइज ये फूड कोर्ट यहाँ से कितना अमेजिंग लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँगी। देखिए कितना अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, बहुत ही मस्त लग रहा है। और अब पहले खा लेते हैं, पहले पेट पूजा कर लेते हैं, बिकॉज इन दोनों को बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, और मैं भी कुछ खा लेती हूँ। गाइज मैं ना यहाँ पे आई हूँ कार्ड बनवाने के लिए, बिकॉज कैश ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बाय कार्ड करो या वॉलेट के थ्रू करो। तो अभी मैं कार्ड बनवा लेती हूँ, उसके बाद मैं लेती हूँ तनिष्का मिष्का, वहाँ पे वेट है।
थैंक यू। तो गाइज मैंने कार्ड बनवा लिया है फूड कोर्ट का, अब फटाफट से लेते हैं और खाना खाते हैं, बिकॉज़ ये हमारे घर से इतनी दूर है जगह कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा दूर है ये जगह। गाइज हमें 2.5 घंटा लग गया आने में, और अभी 2.5 घंटा हमें जाने में भी लगेगा घर। सो लेते हैं फटाफट, ले लीजिए भैया। फाइनली हमारा फूड आ चुका है गाइज। हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि छोले भटूरे खाते हैं यहाँ के, क्योंकि वो हमने कभी टेस्ट नहीं किया। पिज़्ज़ा बर्गर तो ये सब हम लोग खाते रहते हैं। और गाइस मिश्का कह रही है मम्मा आपने इतना टाइम लगा दिया ऑर्डर लाने में, अब सब गुस्सा हो गई है ये देखिए। बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ना फूड पर टूट पड़ते हैं, बिकॉज बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। तो इतना टाइम लग गया, इतनी वेटिंग हो रही है कि वेटिंग के चक्कर में, और यहाँ पे ना तनिष्का मुझे पहली फाइड के लाइए, थैंक यू। मिश्का को बताया मम्मा काम में भी लग रही है। और गाइस यहाँ से वहाँ ना, क्योंकि हमारी सिटिंग यहाँ पर है, और फूड कोर्ट जहाँ से मैं छोले भटूरे लाई हूँ वो बहुत दूर है उसका काउंटर, और जो कैश काउंटर है जहाँ से कार्ड लिया है वो बहुत दूर है। तो मतलब इतना टाइम लग रहा है कि मैंने ना अपनी कॉफ़ी स्किप कर दी है, क्योंकि वहाँ भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो बस ये खाते हैं और घर निकलते हैं, क्योंकि घर बहुत दूर है गाइस, यहाँ से 2.5-3 घंटे अभी जाने में लगेंगे, और शाम को रश आप इमेजिन कर सकते हो। और बच्चों के साथ में तो टाइम से घर भी पहुँचना है, तो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। इन्जॉय कर लिया है फूड अपना, खा लिया है भर पेट, और अब ये दोनों ये देखिए क्या कर रही हो तुम लोग, और खा पी गई ये दोनों, खेल में लगी हुई है गाइस। मैं जल्दी से पानी पी लेती हूँ, लोग पानी लेके आए थे घर से, तो पानी पीते हैं और उसके बाद गाइस यहाँ फूड कोर्ट से निकल के थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं मॉल को, फिर निकलते हैं घर, और फिर किसी दिन और फुर्सत में आएंगे, और थोड़ा जल्दी आएंगे, क्योंकि एक दिन में मॉल पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पा सकती, कोई भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिन एक तो अभी छोटे छोटे हैं, और ऊपर से टाइम इतना हो जाता है, 3 बजे तो हम आए यहाँ पर। सो हाँ जी ले, थैंक यू। सो नहीं एक्सप्लोर कर सकते, तो गाइस टाइम से अभी 5:30 हो चुके हैं, और अभी निकलते निकलते यहाँ से हमें 6:15 बज जाएंगे, तो हम घर 8 बजे तक ही पहुँच पाएंगे। तो जल्दी से फटाफट थोड़ा थोड़ा जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं, चलते चलेगा गाइस। यहाँ पे ना हैंड ड्रायर तक ना मिश्का का हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो हम लोगों ने ना मिश्का को ना यहाँ ऊपर ही खड़ा कर दिया, और मिश्का हैंड ड्राई कर रही है। गाइस सबके ना बैक स्टैचू बने हुए हैं, यहाँ के टिकट लेनी पड़ती है। तो ये देखिए, ये है मधुबाला थी ना आई थिंक वो, ये शाहरुख खान का है स्टैचू, और यहाँ पे सबके बैक स्टैचू है। मॉल को एक्सप्लोर कर लिया है, वही सेम चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा की वीडियो क्या बनाऊँ, क्योंकि जैसी वैरायटी मैंने सेलेक्ट सिटी में दिखाई थी जो, बट मेन चीज़ें थी यहाँ पे वो मैंने आपको सारी एक्सप्लोर कर दी हैं, बिकॉज अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, सो वीडियो को भी ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं और चलते हैं। और मेरे पीछे बहुत ही अच्छा कलेक्शन है विंटर का, ये देखिए ये पीच कलर में है, बट बिकॉज ऑफ ब्राइटनेस आपको ना ये वाइट नज़र आ रहा होगा, बट ये पीच कलर में है ट्रैक सूट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अंदर भी बहुत कलेक्शन है, और ये है UCB है, यूनाइटेड कलर ऑफ बैडमिंटन, जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड और फेमस है, और इसके भी जो अपैरल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और कलेक्शन बहुत अच्छा होता है वन लाइन में डिस्क्राइब करें तो। और गाइस ये ना एक ने डमी बनाया हुआ है जो बहुत ही अच्छा है, तनिष्का मुझे दिखा रही है, देखिए आप भी देख लीजिए। और यहाँ गाइस आपको 50% डिस्काउंट चल रहा है, सॉरी फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है यहाँ भी, क्योंकि अब ये सीज़न की लास्ट सेल चल रही है, बिकॉज अब इसके बाद सीज़न जाने वाला है, तो इसलिए सबने डिस्काउंट लगाया हुआ है। और गाइस ये कह रही है इसकी ना खड़े खड़े कमर दुख गई है, सो ये देखिए कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो गाइस चलिए चलते हैं, अब घर निकलते हैं फटाफट से, बहुत टाइम हो गया है। हैं किधर से, अच्छा अभी इधर से उतरने। गाइस मिश्का को बिना रास्ते याद हो गए, मम्मा इधर से उतरना, मिशु मेरा हाथ पकड़ो पहले आप। बिना तनिष्का मिश्का को ना यहाँ पे ना
टॉयज़ की शॉप दिख गई है एक और, और ये देखिए बबल्स कैसे उधर है उधर है, बबल्स उधर है। ये देखिए मैं एक लुक दे देती हूँ आपको, इसको सीधा करना है एक बार, फिर आपको ये पास करना है। ये देखिए कैसे चल रहा है, ये पेंगुइन है। कम ऑन लेट्स गो गर्ल्स, फाइनली आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पे और वी आर वेटिंग फॉर द मेट्रो। मेट्रो मेट्रो में और लकीली सीट भी मिल गई है हमें, और इन दोनों की ना मस्तियाँ वाइज कम नहीं हो रही है। और मेट्रो में भीड़ आप देख ही रहे हैं, लेडीज कोच में भी इतनी भीड़ है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो नॉर्मल जो कोच है उसमें तो और ज़्यादा भीड़ होती है। आप फटाफट घर चलते हैं, बिल्कुल थकावट हो गई है और मिश्का सो जाए उससे पहले हमें घर पहुँचना है गाइस एनी हाउ, क्योंकि ये लड़की सफ़र में कभी भी सो जाती है। गाइस इन ड्रामा क्वीन के ड्रामे मेट्रो में भी चल रही है देखिए, और अभी तनिष्का ने बहुत अच्छा स्टंट किया गाइस वहाँ पे, है ना तनिष्का, वो जब ऑफ कैमरा होते हैं ना तभी अच्छा होता है। मिशु अच्छा लगा आपको? तनिष्का की छुट्टी है और मिश्का को स्कूल जाना है और ये हम पे घर आते ही बरस रही है। क्या कह रही थी अभी, मैं तो स्कूल जाना ही बंद कर दूंगी, मेरी तो छुट्टियां पड़ती नहीं। फाइनली हम लोग घर आ गए गाइस और बहुत ज्यादा थक चुके हैं और अब रिलैक्स करते हैं और मैं बनाती हूँ अभी आज चाय नहीं बनाऊंगी गाइस, कॉफी बनाऊंगी जो कि मैं भी पीऊंगी। तनिष्का भी थोड़ी सी पी लेती है, यस सो अच्छी सी कॉफ़ी बनाते हैं और पीते हैं गाइस और रेस्ट करते हैं। खाना मैं बना कर गई थी तो खाना नहीं बनाना है, फटाफट से चेंज करते हैं क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट बाहर निकले तो ठंड थी गाइस। गाइज ये दोनों सैंपल्स के बच्चों के मिले हैं, ये जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये देखिए बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये दूध में मिक्स करके पीने का है, सो ये मिले हैं हम लोगों को, सो ये इन दोनों को दे दूंगी, दो पैकेट में लेकर आई हूँ। और गाइज अब चेंज करते हैं और आज का ब्लॉग गाइज, सो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं इसी अच्छे से फन डे के साथ में। बहुत कुछ चीज़ें देखी, बहुत ही यूनिक यूनिक चीज़ें देखी, जो हम देखने गए थे वो देख लिया। गाइस ये देखिए दादी अम्मा के ना पैरों में दर्द होने लग गया, लाओ मैं आपके पैर दबा दूं। मैं दादी अम्मा नहीं हूं, मैं आपके बच्ची हूं, छोटी बच्ची। सो गाइस व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।